दोस्तों, ऐसा भारतीय पहलवान जिसने नहीं हारी एक भी कुश्ती, जब भी ताकत की बात होती है लोग लेते हैं इस पहलवान का नाम। जाने लंदन चैंपियनशिप में क्यों नहीं मिली थी एंट्री। 6 देसी चिकन और 100 रोटी की थी डाइट। आजादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पहलवान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हो गए। दोस्तों, भारत पहलवानों का देश रहा है। भारत में एक से बढ़कर एक पहलवान है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताएंगे जिसने अपनी लगन, जज्बे और कड़ी मेहनत से दुनिया के तमाम पहलवानों को धूल चटाई थी। रुस्तमे जमा, शेरे पंजाब, द ग्रेट गामा जैसे नामों से जाने जाने वाले गामा पहलवान का आज यानी 22 मई का उनका 144वां जन्मदिन है। आइए आपको उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। गामा का यानी गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय यानी साल 1947 के बाद गामा पहलवान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हो गए। गामा पहलवान ने शुरुआत में कुश्ती के दाव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखे थे। साल 1947 से पहले तक गामा पहलवान ने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। गामा अपने 52 साल के कैरियर में कोई भी मुकाबला नहीं हारे। 5 फुट 7 इंच के औसत हाइट वाले गामा पहलवान उस दौर में लगभग हर लंबे पहलवान को धूल चटाई थी। कम उम्र में ही गामा ने देश के जाने माने पहलवानों को धूल चटा दी। उनका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। भारत में अपनी पहचान बनाने के बाद 1910 में उन्होंने लंदन का रुख किया। यहाँ पर उनकी कम हाइट बाधा बनी। उनकी हाइट 5 फिट 7 इंच होने के कारण लंदन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में एंट्री नहीं मिली और इस बात पर खफा हुए गामा ने वहां के पहलवानों को 30 मिनट के अंदर हराने की चुनौती दी, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। गामा पहलवान को रुस्तमे हिंद का खिताब भी मिला था। वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे और गामा पहलवान की मृत्यु 30 मई 1960 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। वे लंबे वक्त से बीमार थी। गामा पहलवान डाइट में 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी, बादाम का शरबत और 100 रोटी लेते थे और रोज 15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। वे हर दिन 3000 बैठक और 1500 दंड किया करते थे। बताया जाता है कि गामा पहलवान ने एक भारी भरकम पत्थर को डंबल बनाया हुआ था। द रेसलर बॉडी आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी इन नॉर्थ इंडिया नाम की किताब लिखने वाले जोसेफ आल्टर ने इस बारे में अपनी किताब में विस्तार से बताया है। इसके अलावा वो रोज अपने गले में 54 किलो का पत्थर बांधकर 1 किलोमीटर तक भागा भी करते थे। तो ऐसे थे गामा पहलवान। वैसे गामा पहलवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें।